मेरे प्यारे दर्शकों को और मेरे फैंस को सबसे पहले तो मेरा सलाम। और आज हिंदुस्तान में जितनी सारी प्रॉब्लम्स है, हमारे देश के जो शहीद हुए हैं उन सबको मेरा बहुत बहुत सलाम। आज उनके वजह से हम इंडिया में आराम से सुकून से हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आज मेरे दोस्त राज चौहान का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन पर उन्होंने बहुत प्यार से मुझे बुलाया और उनकी फिल्म का आज एक गाना शूट करने वाले हैं। फिल्म का नाम है राज शहंशाह। तो राज शहंशाह के लिए सबसे पहले जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत सारी शुभकामनाएं और हैप्पी बर्थडे टू यू राज चौहान। हमेशा ऐसे स्मार्ट रहो, जवान रहो, हैंडसम रहो और मुस्कुराते रहो, ये मेरी शुभकामना है आपके लिए। और खुश रहो यार, आज बहुत अच्छे लग रहे हो, खासकर माइकल जैक्सन लग रहे हो। तुम्हारी जो ड्रेसिंग है ना उसमें या कमाल करते हो यार, हद कर दिया तुमने। बट कोई बात नहीं, ऐसे चमकते रहो, एक दिन चमकता सितारा हो जाओगे। दोस्तों, हर कोई बहुत बड़ा बनना चाहता है लेकिन बहुत बड़ा बनने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, जैसे हम सब लोग कर रहे हैं। और इंशाल्लाह एक दिन बहुत आगे निकल जाएंगे और आप तक पहुँचेंगे तो आप लोग बोलेंगे वाह क्या बात है, हमारे तक पहुँच गए। आज जैसे कि राज जी का बर्थडे है और बर्थडे पे सबसे बड़ा गिफ्ट है कि सलमान भाई है, सलमान खान जी नहीं आए, लेकिन उनकी जगह पे आप हैं, सलमान खान जी की जगह पूरी करना क्या कहना चाहेंगे? कमाल करते हैं आप यार, भाई नहीं है, जहाँ भाई नहीं पहुँचते हैं वहाँ उनका छोटा भाई पहुँच जाता है और मैं पहुँच जाता हूँ। तो भाई की कमी जो वो कर सकते वो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि उनकी जो थोड़ी सी कमी है लोगों में वो मैं पहुँच के पूरा कर दूँ और पब्लिक को एंटरटेन करूँ। पब्लिक की जो ख्वाहिश है उसमें थोड़ा सा डांस वांस करके, क्योंकि बर्थडे है ना तो धमाल करना चाहिए, वो पूरा कर देता हूँ। भैया आपकी जो फिल्म आ रही है आमिर शर्मा शाहरुख की फिल्म है, क्या कहना चाहेंगे? जी आपने सही सवाल पूछा, मेरी फिल्म है आमिर सलमान शाहरुख, जो अभी 11 नवंबर को रिलीज़ हो रही है ऑल ओवर इंडिया। और इस फिल्म के लिए सबसे अच्छी बात है कि सलमान भाई ने खुद ट्वीट किया है, इस फिल्म को उन्होंने प्रमोट किया, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है उनकी तरफ से। ये 11 नवंबर को रिलीज़ हो रही है और मैं चाहता हूँ मेरे जितने दोस्त हैं, जितने फैंस हैं, जितने लोग आपके माध्यम से देख रहे हैं, वो फिल्म में ज़रूर देखने जाएं फिल्म को थिएटर में, और थिएटर में देखें बहुत मज़ा आएगा, एंटरटेन करेंगे। थैंक यू। आज राज जी का बर्थडे है और उनके नाम की फिल्म भी आप बना रहे, राज शहंशाह, क्या कहना चाहेंगे? सर ये मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है कि उनका नाम है राज चौहान और उनके नाम का पहला पार्ट में उनका नाम राज चौहान नाम देने वाला मैं ही हूँ। मैंने उन्हें कहा था कि राज चौहान वो अपना नाम रखें और उन्होंने मेरी बात मानी और मैंने उनके नाम का एक हिस्सा मेरे टाइटल में यूज़ किया है और टाइटल रखा है राज शहंशाह। और ये गाना जो मैं करने वाला था वो मेरे नेक्स्ट मंथ शेड्यूल में था, लेकिन जब बर्थडे की बात आई और उन्होंने कहा कि एक बर्थडे मैं सेलिब्रेट करना चाहता हूँ तो मैंने सोचा कि इसको हम एक गाने के साथ ज्वाइन कर ले, क्योंकि मीडिया के लिए एक मटेरियल बन जाता है जी, उसमें अच्छा मटेरियल बन जाता है कि शूट भी है और बर्थडे भी सेलिब्रेट होता है, तो एक उसके एक अलग चार्म रहता है। तो ये मेरी कॉन्सेप्ट है। फिल्म के बारे में ये कहना चाहूँगा कि मैं कि ये ऐसी फिल्म बनाने जा रहा हूँ जिसमें वो डबल रोल में है, एक फौजी का कैरेक्टर है, एक शहंशाह का कैरेक्टर है, और दोनों का मकसद ज़िंदगी का यही है कि एक कॉमन मैन को वो कैसे मदद करे। हमारे देश में जो कॉमन मैन है वो हमारी ऑडियंस है और उसके सपोर्ट में ये दोनों कैरेक्टर्स खड़े हैं अपनी स्टाइल में, फौजी अपनी स्टाइल में खड़ा है और शहंशाह अपनी स्टाइल में खड़ा है। सर बात में ये फिल्म कब तक दर्शक देख पाएंगे? ये फिल्म चूँकि फौजी है का मेन कैरेक्टर इसमें है तो ये मैं 26 जनवरी 2017 में रिलीज़ करना चाहता हूँ, क्योंकि एक रिलीज़ डेट बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है और रिलीज़ डेट आज बड़े बड़े स्टार्स भी अपनी रिलीज़ डेट ढूंढ के करते हैं ताकि बेटर कलेक्शन आए। तो मेरे ख्याल से फौजी फिल्म के लिए 26 जनवरी से अच्छा वक्त नहीं होगा। देखिए अभी मेरी रिसेंटली फिल्म रिलीज़ हुई है हम ही जोड़ी नंबर वन, रवि किशन और रानी चटर्जी के साथ हीरोज वालों ने रिलीज़ की ये फिल्म, फर्स्ट टाइम हीरोज वाले इन्वॉल्व हुए, डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट का भोजपुरी सिनेमा
और ये फिल्म बिहार में रिलीज़ हुई और जो रिपोर्ट्स आई और मतलब बहुत सराहा गया फिल्म को, फिल्म अच्छी गई। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बॉम्ब फूट गए, लेकिन फिल्म बहुत अच्छी गई, बड़ी नीट एंड क्लीन फिल्म है और इसमें कोई वल्गैरिटी नहीं है, कुछ नहीं है। और मैंने ये प्रूव किया कि अच्छी फिल्म विदाउट वल्गैरिटी भी चलती है। ये एक मिसाल है मेरी फिल्म हमें जोड़ी नंबर वन। और आने वाली फिल्म, हाँ मेरी आने वाली फिल्म अभी हिंदी फिल्म आ रही है माफिया बिग बॉस, उसके बाद मेरी भोजपुरी आ रही है सावरिया मोहे रंग दे रानी चटर्जी और निसार खान के साथ और अविनाश शाही, तो उन सब फिल्मों का इंतज़ार है। और लाइन से और 3-4 फिल्में हैं जो रिलीज़ हुए हैं और मेरी भाग्य न जाने कोई राजपाल यादव जी के साथ है, जो मैंने मुंशी प्रेमचंद जी की जो शॉर्ट नॉवेल्स है कफन और निर्बला, उस पर बेस करके स्क्रीन प्ले बनाया है और वो फिल्म भी मेरी कंप्लीट हो गई है, पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है, वो भी लाइन में है रिलीज़ में। और इस वक्त मेरी 5 फिल्में हैं जो लाइन से एक के बाद एक रिलीज़ होने वाली है, जो मेरे ख्याल से 3-4 महीने के अंदर 5 फिल्में रिलीज़ हो जाएगी। प्रिय जी, आज राज चौहान जी का बर्थडे है और उनके नाम की फिल्म भी बन रही है जिसका आज गाना भी हो रहा है और भोजपुरी सिनेमा की जानी मानी आइडल क्वीन मनोरी मोहंतल जी इसमें परफॉर्म करने वाली है। मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो राज जी को बर्थडे की बहुत सारी शुभकामनाएं हैं और गुलाटी जी इसको डायरेक्ट कर रहे हैं और गुलाटी जी के विशेष आमंत्रण पे मैं आज इनके सूट पे आया हूँ और बहुत अच्छा ये लोग फिल्म बना भी रहे हैं और ग्लोरी जो डांस कर रही हैं आज, उनकी तैयारी भी बड़ी ज़बरदस्त है। तो जन्मदिन के इस खास अवसर पर ये गाना शूट हो और लोगों को बहुत पसंद आए, लोगों के बीच में जाए, ये मेरी शुभकामनाएँ। क्या कहना राज्य के लिए, क्या कहना चाहेंगे, क्या ब्लेसिंग देना चाहेंगे आज उनके? देखिए, मैं कोई मंदिर का पुजारी हूँ नहीं और ना कोई मस्जिद में बैठ के पीर बाबा हूँ कि मैं दूसरों को ब्लेसिंग वगैरह जैसी बड़ी चीज़ें दे पाऊँगा। मित्र हैं, मैं मित्र की तरह एक शुभकामनाएँ देना चाहूँगा, बहुत सारा प्यार देना चाहूँगा। बहुत ही स्वीट हैं, बहुत ही अनुशासित हैं, तो मैं उनको बहुत सारा प्यार दे सकता हूँ। दुआएँ देना ये तो बड़ों का काम है। बात कीजिए, जैसे कि आप फिल्म एक्टर हैं, कई फिल्मों में एज ए हीरो आ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप जो टीवी चैनल के इकलौते देवर और स्टैंड अप कॉमेडी के नाम से पूरा पूर्वांचल आपको प्यार करता है, तो क्या कहना चाहेंगे आपके अंदाज में इनको बर्थडे जी सजाए दो लाइन और गुलाटी जी जो उनके डायरेक्टर उनके लिए भी? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि नाना करते तुमसे कर बैठे प्यार, ये तेरे प्यार की जिद थी। नाना करते कर बैठे तुझसे प्यार, ये तेरे प्यार की जिद थी। मर गए हम, खुली रही आंखें, ये मेरे इंतहा की हद थी। थैंक यू। मोबाइल वाले भी निकाल लो।
मैडम इनको भी थोड़ा सा मैं उनको पर्सनली विश कर चुकी हूँ, बट कैमरा में भी विश करना चाहूँगी. राजी, विश यू मैनी 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 हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. मे गॉड ब्लेस यू, और भगवान करे आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा हो और आप आगे और अच्छे अच्छे फिल्में बनाते जाइए. अरे गिफ्ट तो मैं खुद ही बन के आई हूँ. सी मेरा पीला घाघरा और ये सब तो राज जी के लिए तैयार हुई हूँ. आज मेरा 16 सिंगार सब उन्हीं के लिए है, तो मुझसे बड़ा बम्पर प्राइज उनके लिए क्या हो सकता है. यही सबसे बड़ा बम्पर गिफ्ट है. उनका नाम भी है राज शंशा, क्या कहना चाहिए जिसमें आपका आइटम नंबर आज बनवाने वाले हैं, क्या कहना चाहिए. हमारे राज जी ही शहनशाह हैं, तो आप समझ जाइए फिल्म कैसा होगा. और डेफिनेटली मैं आइटम सॉन्ग कर रही हूँ तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. आज बर्थडे पार्टी है, आज आप सब लोग हैं और आज मैं एक हीरो के साथ वापस एक हीरो के साथ एक परफॉर्मेंस देने वाली, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. फिल्म के जो डायरेक्टर हैं दिलीप गुलाटी जी, क्या कहना चाहेंगे. अरे उनके लिए क्या बोलूँगी, उन्होंने मुझे इतना बड़ा ब्रेक दिया, उन्होंने इतना बड़ा चांस दिया कि मैं उनके साथ काम करूँ, तो यही मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य वाली बात हो गई, तो अच्छा लग रहा है. पप्पू खन्ना जी जिनके सारे पे आज आप थिरकने वाली हैं, क्या कहना चाहेंगे. मैं सबको बताना चाहूंगी कि इंडस्ट्री में जो पहला मूवी मैंने किया था वो पप्पू जी के अंडर ही मैंने किया था, और कहीं ना कहीं आज मैं यहाँ पहुंची हूँ तो उनके ब्लेसिंग से, इनफैक्ट सबके ब्लेसिंग से, बट उन्होंने उस टाइम जो मोटिवेशन दिखाया था तो शायद आज मैं यहाँ हूँ. दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे. सभी ऑडियंस से एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी, प्लीज़ आप लोग जैसे मुझे प्यार करते हैं वैसे ही प्यार करते रहिए, मेरे परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करते रहिए. मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया है जैसे कि सब लोग करते हैं, और मैं आज भी स्ट्रगल कर रही हूँ सिर्फ और सिर्फ आप लोग के लिए. कुछ ना कुछ नया लाने की कोशिश कर रही हूँ अपने अदाओं में, अपने स्टेपिंग्स में, अपने एक्सप्रेशंस में, खुद के अंदर. तो प्लीज़ आप लोग मेरे गाना देखते रहिए और मुझे मोटिवेट करते रहिए. बात करें आज आपका गेटअप एकदम अलग है, धड़क धड़क है, जानलेवा है, क्या जितना तारीफ करें कम है. ऐसे बोलेंगे तो मुझे शर्मा नहीं होंगे, भारतीय नारी वाला फील आ जाएगा मुझे. ऑफकोर्स मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं नॉर्मल लाइफ में बहुत ही सिंपल एंड सोबर टाइप की लड़की हूँ, लेकिन जब मुझे काम करना होता है तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ होता है कि मुझे वाव बनना है. तो जितना हो सके मैं उतनी अट्रैक्टिव बनने की कोशिश करती हूँ, सो दैट कि सब लोग मुझे देखे बोले कि हाँ ये सच्ची में एटम बॉम्ब लग रही है. आज कितना बम फोड़ने वाली है. आप सब देख ही रहे हैं, आप सब फूटे हुए मैंने ऑलरेडी बम फोड़ दिया है फ्लोर में आके, बट नो डाउट मैं ऑडियंस के दिल में भी बम फोड़ना चाहूँगी कि ऑफकोर्स अगर मैं अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे अप्रिशिएट करते रहिएगा. और जितने भी मेरे चैनल से जो लोग मेरे न्यूज़ ले रहे हैं इन सबको सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ मेरा इंटरव्यू भी देखते रहिए. थैंक यू. बहुत बहुत मुबारकबाद हो, बहुत बहुत बधाई हो कि आज आपका बर्थडे है और आज आपकी फिल्म का एक बहुत ही आइटम नंबर की शूटिंग है जो आज आप शूट कर रहे हैं. तो मैं चाहता हूँ ये फिल्म राज शहनशाह, जैसे इनका नाम राज वैसे ये खुद भी रियल में शहनशाह हैं, तो इनकी फिल्म अच्छी जाए और अच्छे ढंग से मेकिंग हो और जब रिलीज हो तो जबरदस्त हो. और राज जी के लिए मैं और कहना चाहता हूँ कि ऐसे आगे बढ़ते रहो,
जो चमक है उस चमक को और चमकाओ और सितारे की तरह ऊपर जाओ और सबके नज़रों में छप जाओ। बस यही मेरी दुआ है और ये मेरी शुभकामना है राज्य के लिए। मेरे रियल ब्रदर हैं, एक सभी भाई ज़्यादा हमारी अच्छी दोस्ती है। मैं चाहता हूँ हमारी दोस्ती हमेशा कामयाब रहे। सर बिल्कुल, मैं सागर भाव भाई की जो भावनाएं हैं और सागर भाई का जो रिगार्ड है, रियली हम फर्स्ट टाइम मिले दिलीप जी के उधर, मतलब एकदम से जैसे सागर भाई बाहर हैं वैसे ही अंदर हैं मेरे लिए। और मैं ये है जैसे सागर भाई कह रहे हैं, रियल ब्रदर से ही बढ़ के हैं हम और इस तरह का बरकरार रहेगा हमेशा, क्योंकि जहाँ पे निस्वार्थ चीज़ें होती हैं, मतलब निस्वार्थ प्यार होता है, वो बहुत दूर तक चलता है। और सागर मेरे लिए बहुत रिगार्ड करता है एक भाई की तरह से, और हम इसी तरह से अच्छे से सिनेमा बनाते जाएंगे। सागर भाई को मैं आश्वासन देता हूँ और भगवान से भी प्रेयर करता हूँ कि इस तरह के भाई मेरे को मिलते रहें इंडस्ट्री में, ताकि मतलब बहुत अच्छा माहौल बने देश का भी, समाज का भी। राज जी बात करें, जैसे कि सलमान खान जी तो आज नहीं आ पाए आपके बर्थडे पे, लेकिन उनकी जगह उनकी कमी पूरा किया सागर पांडे, सलमान जी ने क्या कहना चाहेंगे? मेरे लिए तो यही सलमान है और मेरी टीम है, मिराज हैं और मेरे लक्की भाई और बहुत सारे इस तरह के जो भाई हैं, बहुत प्यार देते हैं मुझे। तो मैं रियल सलमान से भी मिला हुआ हूँ, नो डाउट। वो अच्छे गाइज हैं, अच्छी नेचर है उनकी, हेल्पिंग हैंड्स हैं। और उससे ज़्यादा क्या है कि वो अप्रोच से बाहर हो चुके हैं, अभी सुपर स्टार हो चुके हैं। तो मैं भगवान से प्रेयर करता हूँ कि सागर भाई भी उस तरह के सुपर स्टार बने और हम साथ में आगे बढ़ें। और मेरे लिए तो यही सलमान है, यही शाहरुख है। थैंक यू यार। सागर भाई क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि आपका नाम सागर पांडे, लेकिन सागर सलमान के नाम से आप जाने जाते हैं। हाँ यार, सलमान भाई की जगह आप यहाँ उपस्थित राज जी को, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मैं सलमान भाई का बॉडी डबल भी करता हूँ और उनकी तरह कुछ एक्टिंग भी कर लेता हूँ। हमारी फिल्में कभी आ रही है आमिर सलमान शाहरुख, वो अभी 11 नवंबर को रिलीज़ हो रही है। और एक फिल्म हमारी और आ रही जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उस फिल्म का नाम है माफिया बिग बॉस, जिसका कल ही सेंसर हुआ है लकली। और मैं सागर भाई को भी बहुत बहुत थैंक्स देना चाहूँगा उसके लिए और पूरी टीम को। बाकी वो फिल्म हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस फिल्म में हम लोगों ने बहुत रियल का करेक्टर दिया है, राज भाई ने और मैंने, और हमारे जो डायरेक्टर हैं मिस्टर दिलीप गुलाटी, जिन्होंने मुझे सलमान खान बनाया, उन्होंने इस फिल्म को बनाया माफिया बिग बॉस को। और इंशाल्लाह बहुत जल्दी रिलीज होगी, जब आप देखेंगे ना फिल्म तो धक्के खा जाएंगे। सागर भाई आपके अंदाज में उनका एक बर्थडे भी सजाए, सलमान भाई लगे कि जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो, हैप्पी बर्थडे टू यू, ऐसे हमेशा चमकते रहो, मुस्कुराते रहो और स्मार्ट जवानी को साथ में लेके चलो। थैंक यू सलमान भाई, थैंक यू। राज जी क्या कहना चाहेंगे, आप जो है आज बर्थडे पे सारे लोग आए, पूरी इंडस्ट्री एकत्रित हुई आपको ब्लेसिंग देने के लिए, क्या चाहेंगे? और इसका श्रेय जो मीडिया को लाने का श्रेय मेरे रिगार्डिंग है अपने संजय भूषण जी, जो कि एक भाई की तरह से रहते हैं, उन्होंने पूरा मैनेज किया आज का प्रोग्राम। और दिलीप जी जो कि हमारे गॉडफादर हैं और साथ में सागर भाई हैं, सभी ने हमने मिलके प्लानिंग बनाई कि भाई इस तरह का प्रोग्राम्स किया जाए, और आज आप देख रहे हैं कि आप लोगों के सहयोग से सक्सेस है और आई एम वेरी प्लीज टू डे। थैंक यू सर।
Come on!